हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोज सुबह मिलती रहे। खबर कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ जब मौत के आंकड़ों ने डरा दिया है। महज 3 दिनों में 16 लोगों की मौत ने वायरस को हल्के में लेने वालों के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में संक्रमण के आंकड़ों के साथ बढ़ता मौत का मामला यह संकेत दे रहा कि कभी भी वायरस खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि 180,407 सैंपल की जाँच में 6,413 नए मामले सामने आए, यानी संक्रमण दर अब 3% हो गई है। या यूं कहे कि 28वां सैंपल कोरोना पॉजिटिव आ रहा। ऐसे में कोरोना को लेकर बिहार में आने वाले खतरे से सावधान रहना जरूरी हो गया है। अगली बड़ी खबर, एनडीए में सम्राट अशोक वर्सेज औरंगजेब। सिन्हा ने की अशोक की औरंगजेब से तुलना। भड़की जेडीयू तो बीजेपी बोली इनका पार्टी से कोई संबंध नहीं। बिहार में बिहारियत और बिहार के इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई। वजह यह है कि प्रसिद्ध लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी। ऐसे में सत्तारूढ़ दल की दो पार्टी आपस में भिड़ गए। दरअसल जेडीयू ने सिन्हा की ओर से टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया, यहाँ तक कि उनको मिले पद्मश्री पुरस्कार को वापस करने की मांग की। बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज होती जा रही। संक्रमण दर के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल है। फिर भी बिहार सरकार 1 से 14 फरवरी तक इंटरमीडिएट और 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की बोर्ड परीक्षाएं करा रही। इसके लिए स्टूडेंट्स तैयार नहीं है क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं है। अब इसमें आप सरकार को ही पूछना है और सरकार ये पूछना चाहती है जनता से कि सरकार इस परीक्षा को ले या नहीं। खबर, बिहार के मधेपुरा में कोरोना वैक्सीन के 12 डोज लेने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने FIR कर दी। इसके बाद से वो डरे सहमे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया। इसके बाद से वह छिपते फिर रहे। इसी बीच ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने और उन पर मुकदमा चलाने पर आत्महत्या कर लेने की धमकी दी है। उनके आत्महत्या करने की धमकी देने वाला वीडियो सामने आने के बाद ब्रह्मदेव मंडल फिर से चर्चा में आ गए। बड़ी खबर, पानी पानी और रोमांटिक राजा की सफलता के बाद भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जल्द ही टी सीरीज के म्यूजिक एल्बम में नजर आएंगे। और ये बातें उस तस्वीर के हवाले से है जिसमें भारतीय म्यूजिक वर्ल्ड की प्रतिष्ठित कंपनी टी सीरीज के दफ्तर में टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार और खेसारी लाल यादव एक साथ नजर आ रहे। खबर, CTET के स्थगित किए गए विषयों की परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। वहीं जिनकी परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को पूर्णिया में होने वाली थी, वह परीक्षा 12 जनवरी को आयोजित होगी। बोर्ड द्वारा रिवाइज एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। CTET की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आए नए शेड्यूल के हिसाब से 16 दिसंबर की परीक्षा 17 जनवरी को पहले शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में जिसमें बजट के साथ विश्वविद्यालय के अगले एक साल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट भी पारित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने 592 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। बड़ी खबर, पूर्णिया में पंचायत शिक्षक नियोजन में पूर्व नियोजित शिक्षकों की अनुशंसा रद्द करने के मामले में अब 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। DM राहुल कुमार ने अपर समाहर्ता लोक शिकायत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। जांच टीम में स्थापना उप समाहर्ता व जिला शिक्षा प्राधिकारी के सदस्य नियुक्त किए गए थे। DM ने जांच टीम को एक सप्ताह के अंदर शिक्षक नियोजन मामले में आदर्श आरक्षण रोस्टर व अन्य मामलों की जाँच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। पर बिहार के सत्तारूढ़ दल VIP भाजपा से आर पार के मूड में दिख रही। VIP के सुप्रीमो मुकेश सैनी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे। उनकी इच्छा थी कि भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनावी बैतरणी को पार कर जाएंगे, लेकिन भाजपा से नहीं मिलते तरजीह को देखते हुए मुकेश सैनी आर पार के तेवर में हैं। उनकी पार्टी VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने बताया कि अभी बयान जारी करते हुए कहा कि 165 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए VTR को 6 जनवरी से बंद कर दिया गया है। VTR बंद होने से नेपाल को हो रहे फायदे और इस समय VTR से सटे नेपाल के क्षेत्र में सभी होटल बुक हैं। बताते चलें कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जंगल सफारी, इको पार्क, झूला पुल सहित जंगल में किसी भी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से पर्यटक अब नेपाल की ओर रुख कर रहे।
कटिहार में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। प्रदेश में रिकॉर्ड 6,413 नए पॉजिटिव केस सामने आए। पटना से 2014 नए मामले सामने आए। समस्तीपुर में 506 नए मामले आए हैं। अब एक्टिव मामलों की संख्या कुल मिलाकर 28,659 हो गई। बिहार की संक्रमण दर 3% हो गई है। पटना के IGIMS में कोरोना विस्फोट हुआ। 2 जूनियर रेजिडेंट्स समेत 16 लोग पॉजिटिव हुए हैं। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि तय कर दी गई। परीक्षा का आयोजन जिले में 20 से 22 जनवरी तक किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को सामग्री के उठाव के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए। परीक्षा सामग्री का उठाव केंद्रों द्वारा निर्धारित समय में ही दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा के लिए सभी उच्च उच्चतर उत्क्रमित व उच्च माध्यमिक विद्यालय को DN हाई स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा। जिले में मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और खेतों में जल जमाव के कारण इस साल रबी फसलें तय लक्ष्य से कम रकबा में लग पाई है। 5 जनवरी बुआई का अंतिम समय बीतने के बाद भी खेतों में पानी जमा है। ऐसे में पछेली खेती के कारण मुजफ्फरपुर के किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा। आपको बता दें कि कम रकबा और पछेती खेती के कारण पैदावार कम होना भी तय है। पटना स्मार्ट सिटी के तहत गांधी मैदान के करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनी, लेकिन इसे मूर्त रूप देने का काम नहीं हो रहा। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन पर लोगों को फिल्में दिखाने का काम भी 2 दिन ट्रायल और 8 दिन तक शो के बाद 20 दिसंबर से बंद हो गया। गांधी मैदान के आसपास हैप्पी स्ट्रीट बनाने और चारों तरफ प्रमुख 10 भवनों में लाइट लगाने का काम भी अभी तक अधूरा पड़ गया। पटना को बनाया जाएगा सुंदर। राजधानी को स्वच्छ बनाने के साथ साथ इसकी आउटलुक को आकर्षक बनाने की योजना बनी है। मुख्य सड़कों के किनारे बने सरकारी आवास और भवनों की मरम्मत होगी और रंग रोगन करके चमकाया जाएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, भवनों की मजबूती बढ़ जाएगी। दूसरा, सड़कों से गुजरने वालों को चमचमाते भवनों को देखकर सुखद एहसास होगा। उत्तराखंड और पंजाब में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा भाकपा माले ने कहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी से भाकपा माले की बातचीत चल रही और उम्मीद है कि यूपी को योगी राज्य की आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक गठबंधन बनेगा। ये बातें पटना में माले महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने कही है। इस अवसर पर उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा व अमर तथा फुलवारी विधायक गोपाल रविदास भी शामिल थे। विधान परिषद चुनाव पर महागठबंधन में खींचातानी तेज हो गई। उपचुनाव में महागठबंधन से कांग्रेस और RJD को अलग अलग लड़ते देखा गया था। इसके बाद से कयास लगाई जा रही थी कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हालांकि बीच के दिनों में कुछ बयान ऐसे भी आए थे जिसमें कांग्रेस और RJD साथ साथ दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर से विधान परिषद चुनाव नज़दीक आते ही कांग्रेस और RJD के बीच फिर से नोकझोंक चालू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को 24 सीटों पर तैयारी करने की नसीहत दे डाली है। पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव के तर्ज पर ही अब विधान परिषद के स्थानीय निकाय का चुनाव भी अकेले लड़ेगी। शाम इस बात की घोषणा पार्टी के प्रदेश इकाई की तरफ से कर दी गई। इस फैसले को लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की अगुवाई में एक ज्वाइंट मीटिंग हुई थी। इसके बाद चिराग पासवान ने अकेले ही MLC चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इस घोषणा के बाद गठबंधन को लेकर चल रही सारी बातों पर विराम लग गया है। बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।